राम जन्मभूमि। मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और मैं दिलीप पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर हम बात करेंगे और एक तो हम बात करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये आप खबर देखिए, जिसे कहते हैं हाजी मलंग की दरगाह, वो है गुरु मच्छिंद्र नाथ का मंदिर, हिंदू समूहों का दावा, बोले महाराष्ट्र के CM मैं इसे मुक्त कराऊंगा, एक नाथ शिंदे। ठीक है, तो दरअसल कौन थे मच्छिंद्र नाथ? तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस नाथ संप्रदाय से वो आते हैं, तो एक तरह से वो योगी जी के गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ महाराज, और उनके ही जो योगी जी के गुरु हैं उनके मंदिर पर कब्जा जो है वो दरगाह का है। क्या मामला है इसको जरा समझेंगे एक बार, बहुत चर्चा में है मामला। इसके अलावा मित्रों हम बात करेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी की। मित्रों सुधांशु त्रिवेदी जी जो लगातार अपने एक भाषणों के लिए जाने जाते हैं, तो जितेंद्र अहवाड़ जो कि NCP के नेता हैं, उन्होंने भगवान राम पर जो अमर्यादित टिप्पणी की, जो बयान दिया, उसके बाद किस तरह से एक तरह से नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी की बखिया उधेड़ी आज तक न्यूज़ चैनल पे, क्या उनका पूरा बयान है मित्रों मैं आपको पूरा बताऊंगा। और एक बयान है जो बहुत ज़्यादा चर्चा बटोर रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये व्यक्ति ये वायरल हो रहा है और इसने साफ साफ जो है अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जो जिहाद है उसकी, जो जिहादी मानसिकता उसकी पोल खोल दी है। और आखिर क्यों ये अपील की जा रही है कि इस वीडियो को लोकसभा चुनाव के पहले सब लोगों तक पहुंचाया जाए, क्या ये मामला है, इस पर भी हम जरा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हाजी मलंग की दरगाह पर, जिसे कि मच्छिंद्र, गुरु मच्छिंद्र का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मित्रों महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बड़ी पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे एक दरगाह है, बनी हुई है, जिसे मलंग शाह की दरगाह कहते हैं। और जो मुसलमान हैं उनका ये दावा है कि ये जो दरगाह है ये बहुत ही पुरानी दरगाह है। उनका कहना है कि 12वीं शताब्दी में यमन से कोई फकीर आया था और उस फकीर ने जो है इस, ये फकीर की ही दरगाह है। जबकि जो हिंदू हैं उनका ये मानना है कि ये जो दरगाह है, इस दरगाह के नीचे जो नाथ परंपरा चली आ रही है पूरे देश के अंदर, और सबसे बड़ा जो मठ गोरखनाथ मंदिर का है, तो नाथ परंपरा में जो गुरु हुए, गुरु मच्छिंद्र नाथ, जो कि गुरु गोरखनाथ के भी गुरु थे, जो कि गुरु योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके भी गुरु हैं, तो इस हिंदुओं का ये कहना है कि ये जो पूरी दरगाह है, दरअसल ये दरगाह के नीचे जो है वो मत्स्येंद्र नाथ कहें या मच्छिंद्र नाथ कहें उनका मंदिर है। तो उनका दावा इसलिए ऐसा कहते हैं वो क्योंकि 18वीं शताब्दी में जो मराठे थे, जब मराठों का राज था महाराष्ट्र के अंदर, तो फिर मराठों ने इस जगह पर जो है एक हिंदू ब्राह्मण को एज अ पुजारी यहाँ पे नियुक्त किया था और उनका नाम जो था वो पंत केतकर था। तो उनके वंशज जो है वो आज भी इस दरगाह को संभालते हैं और वहाँ के जो स्थानीय मुसलमान हैं उनके अंदर आज भी इस चीज़ को लेकर बहुत रोष रहता है, गुस्सा रहता है कि आखिर ये जो दरगाह है ये एक फ़कीर के नाम से जानी जाती है, तो आखिर इसके अंदर एक हिंदू ब्राह्मण जो है इसमें पुजारी क्यों है। तो उस इस समय जो मौजूदा स्थिति है उस पूरी दरगाह की, वो ये बनी हुई है, इस दरगाह की बात मैं कर रहा हूँ आपसे मित्रों, तो वो स्थिति अभी ये बनी हुई है कि इस दरगाह में जो है अभी पूजा भी होती है और पूजा के साथ साथ इस दरगाह में अभी एक अगर देखा जाए तो उसमें चादर वगैरह भी चढ़ाते हैं, यानी दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, यहाँ पे मुसलमान भी आते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि हमेशा से यहाँ पे एक दबदबा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा यहाँ पे राज करती रही तो मुसलमानों का यहाँ पे लंबे समय तक दबदबा रहा। तो साल 1990 की बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि साल 1990 में जो है यहाँ पे एक टॉस हुआ, यानी कि एक लॉटरी निकाली गई कि आखिर यहाँ पे हिंदू ब्राह्मण दरगाह को चलाएगा, पुजारी रहेगा, या फिर कोई मुसलमान रहेगा। तो जब वो टॉस किया गया तो उस टॉस में जो है जो जीत थी, जो लॉटरी थी, वो फिर से उसी हिंदू परिवार, ब्राह्मण परिवार के पास आई। तो उससे वहाँ पे जो मुसलमान थे वो चुप हो गए कुछ दिन के लिए,
लेकिन ये विवाद थमा नहीं और इसके बाद भी लगातार 1996 में जब बाला साहब ठाकरे जो है उनका राज आता है और महाराष्ट्र में एक बीजेपी सरकार बनती है शिवसेना की मदद से, तो उस समय जो है हाजी मलंग की जो दरगाह है, इस दरगाह को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू होता है। और आनंद दीघे जो कि एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं और जो कि एकनाथ शिंदे, आप देख रहे हैं मित्रों, एकनाथ शिंदे के जो गुरु माने जाते हैं, एकनाथ शिंदे के गुरु मानते हैं, उनको राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो आनंद दीघे जो थे वो संगठन के स्तर पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बाल ठाकरे भी बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन बाल ठाकरे के साथ आनंद दीघे भी थे। तो आनंद दीघे के ही ये के ही चेले हैं, शिष्य हैं राजनीतिक रूप से एकनाथ शिंदे। तो आनंद दीघे ने जो है इस पूरे मामले को बड़े जोर शोर से उठाया था उस समय। और 1996 ईस्वी की बात है कि जब वो यहाँ पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर मंदिर में बाकायदा पूजा अर्चना की। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि हर पूर्णिमा पर यहाँ पर हिंदू बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो विवाद जो है वो अभी तक इस पर ख़त्म नहीं हुआ है। तो साल 2021 में, यानी कि जो मार्च 2021 की जब अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक बार फिर से विवाद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हिंदू जो थे वो आरती कर रहे थे इसी दरगाह के अंदर, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये मंदिर है। तो वहाँ पे जो मुसलमान थे वो बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहाँ पे आकर के जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिया। तो जब ये सारी नारेबाजी वगैरह वहाँ पे चल रही थी, तो इस दौरान एक बार फिर से विवाद बड़ा हो गया। और अब एक बार फिर से इस पर इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, क्योंकि इस पर अब जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम बयान दिया है। तो बयान क्या दिया है उसको जरा एक बार देख लेते हैं। कि मलंगगढ़ को लेकर आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं। आनंद दीघे ने इस मंदिर को मुक्त करवाने को लेकर अभियान शुरू किया था, उन्होंने हमें जय मलंग श्री मलंग के नारे लगवाए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो जनता में बात करने के लिए नहीं होते। मैं मलंगगढ़ के विषय में आपकी भावनाएं समझता हूं और कहना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे आपकी इच्छाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यानी कि एकनाथ शिंदे ने जो बात कही है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो इस पूरे विवाद को ख़त्म करेंगे और यहाँ पर हिंदुओं को एक तरह से कब्जे के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा मित्रों कि ये गुरु जो है योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भी गुरु हैं, और सोचिए आप कि अगर उनके गुरु जो थे मच्छिंद्र नाथ, अगर उनकी भी अगर जो है कि जो मतलब जो कि अगर देखा है योगी जी के जो गुरु हैं महंत अवैधनाथ, उनके भी गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ, सबसे बड़े गुरुओं में से आते हैं, नवनाथों में आते हैं, अगर उनकी भी दरगाह पर इस तरह कब्जा हो जाए तो बड़े ही दुख की बात, उनकी अगर मंदिर पर इस तरह कब्जा हो जाए तो बहुत ही दुख की बात है। इसी विषय को मैंने यहाँ मित्र उठाया और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर को आप सेव कर लेंगे, उस पर मिस्ड कॉल कर देंगे तो आपको मेरे लेख भी जरूर मिलेंगे। और इसके अलावा मित्रों इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का और मेरा जो है टेलीग्राम वगैरह का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मित्रों मैं इसके बाद आपको अब जरा ये दिखाता हूँ कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो सूबा है उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर अयोध्या को लेकर के जिस तरह की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है उसको लेकर के जो जितेंद्र अहवाल हैं NCP के नेता, उनके पेट में जो दर्द उठा, उस दर्द की दवा जो है वो सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे की, जरा वो बयान सुनिए एक बार। नहीं रहा है मगर साहब मुसलमानों की वोट की प्रत्याशा में छटपटाहट में अकुलाहट में बौखलाहट में एक प्रतिस्पर्धा मची हुई है। एक कहावत होती है चित्रा जी, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहाँ जो गैर मुद्दा है वो प्याज ज्यादा खाने में लगा हुआ है और आंसू निकलवाने में लगा हुआ है, क्योंकि इस समय महाविकास अघाड़ी के अंदर की जो निचले स्तर की राजनीति हो गई है, क्योंकि तीनों दलों को लगता है जिसमें शिवसेना को छोड़ दे तो कम से कम राष्ट्रवादी तथा कथित राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को लगता कौन मुसलमानों को अपनी तरफ खींच ले, उसके लिए ये बयान दे रहे हैं। और इसके लिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कहता हूँ, क्यों भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जानता राजा ये पूरा नाटक जो था बहुत रंगमंच है, वो है दादा साहब पुरंदरे का लिखा हुआ, जिसको कि पवार साहब खूब करवाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या लिखा उनके राजकवि भूषण ने, मोड़ रखे मुगल मरोड़ पाच सह रखे, राम नाम रख निज रसना सुधड़ में, यानी मुगलों को मरोड़ के रख दिया और जो पातशाह थे उनको तोड़ के रख दिया अपनी जिह्वा पर राम नाम रख के, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह रखे, राम राखे राम नाम रख निज रसना सुधर में, और बैरिन की हद राखी तेग मल शिवराज,
देवल स्वधर्म राक्षो घर में बैरियों को हद में रख दिया और देवताओं को देव स्थान में और स्वधर्म को अपने घर में स्थापित किया। यही तो आज मोदी जी के रेत में हो रहा है। मुगलिया मानसिकता वालों को मरोड़ के रखा हुआ है, देश के विरोधियों को हद में रखा हुआ है। देवल में यानी देव स्थानों में देव सुशोभित हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ से लेके श्री राम जन्मभूमि तक और महाकाल के कॉरिडोर तक और स्वधर्म राक्षो घर में अगर हैसियत है किसी एनसीपी वाले के बोल रहे, ये बोल के कितना बड़ा अपमान छत्रपति शिवाजी महाराज का किया इन लोगों ने, इसके लिए महाराष्ट्र की जनता को कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, आपके अंतिम तो देखा आपने मित्रों कितना बढ़िया जवाब दिया है सुधांशु त्रिवेदी जी ने, और उन्होंने जो लिखा है अगर आप उसको पढ़िए तो लिखा भी बड़ा अच्छा है कि मोड़ राखे मुगल मरोण राखे पात शाह, राम नाम राखी निज रसना सुघर में, बैरिन की हद राखी तेग बल शिव राज देव राखे देवल स्वधर्म राखियों घर में। बहुत अच्छी मतलब कि ये शिवा बावनी में लिखी हुई है और बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनका। तो मित्रों अब एक और ज़रा महत्वपूर्ण समाचार पर हम मित्रों गौर करेंगे, और दरअसल मामला ये है मित्रों कि जो आपके पहलवान हैं उनकी जो है पूरी की पूरी पोल अब खुल रही है, क्योंकि जो पहलवानों का मामला है वो मसला धीरे धीरे अब जनता समझ रही है कि मामला है क्या। मित्रों मैं बात कर रहा हूँ एक वीडियो आज तक पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, वो भी आज तक का वीडियो है, वो पहलवानों से बात की है और पहलवान क्या कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये खुद अब विरोध कर रहे हैं साक्षी मलिक का, क्योंकि साक्षी मलिक और पहलवान उन्होंने किस तरह से इन पहलवानों की जिंदगी बर्बाद की, जरा इनका पूरा बयान सुनिए आप समझ पाएंगे कि आखिर असली राजनीति है कहाँ। ये वही जगह है जहाँ पे आज से करीब एक साल पहले भारत के नामचीन चेहरे या यूं कहूं कि ओलंपिक मेडलिस्ट एशियन गेम्स मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियन यहाँ प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। वजह रही उनका कहना था फेडरेशन ठीक से नहीं चल रही है, उस समय के जो प्रेसिडेंट है वो फीमेल रेसलर्स के साथ हैरेसमेंट करते हैं, बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए गए थे। लेकिन आज उसी जगह पर उन्हीं एथलीट्स के उन्हीं नामचीन चेहरों के खिलाफ भारत का ये नया जो आप कह सकते हैं कि एक जो रेसलर्स है वो यहाँ पर। और अगर मित्रों आप देखिए तो मैं यहाँ पे आपका एक ध्यान इंगित कराना चाहता हूँ, यहाँ पे इस नारे को जरा पढ़िए, ये देखिए, कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद साक्षी बरंग बजरंग विनेश फोगाट, ये है असलियत। इन लोगों की असलियत क्या है और सुनिए जरा अभी। आखिर क्या वजह रही कि आप सब लोग यहाँ पर आए और उन खिलाड़ियों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कभी आपके खेल के आइकन होते थे, जिनको आप देखते थे सोचते थे कि ऐसा बने, लेकिन आज उन्हीं के तख्तियां लिए हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से हमारे इन्हें जो कुछ करना था बन चुके, इनको जो मिलना था वो सब मुझे से बन चुके, लेकिन अभी हमें आगे नहीं आने दे रहे। हमें हम अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी कॉम्पिटिशन हमारी सबसे बड़ी तो बात हमारी सबसे बड़ा खतरा तो यही हमारी एज निकली जा रही है और हम कोई कॉम्पिटिशन नहीं लड़ पा रहे, हमारी कॉम्पिटिशन कैंसिल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट रेसलर्स वर्सेस रेसलर्स सब हो गया है, ये भारत में कुश्ती की जो दिशा है मतलब आप समझ रहे जो रास्ता जिस हम आगे बढ़ रहे थे उसको सुधार पाएगा, तो बर्बाद कर देगा। कंपटीशन स्टार्ट करवा दो, हम दुखी हो रहे हैं, बालक यहाँ छोटे छोटे हमारी उम्र निकले जा रही है, देख रहे कितने छोटे छोटे बालक हमारी उम्र निकले जा रही है, बताओ हम प्रेस किसी करते रहे हैं क्या? कंपटीशन भी तो सही है, हमें लड़ने के लिए जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं हमें वही चीज नहीं मिलेगी तो फिर क्या फायदा, ये बताओ आप। लेकिन जैसे ये लोग कह रहे थे जब से आए थे कि भाई हम कुश्ती को सुधारने के लिए, तो मित्रों सारी जो बात है यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है। दरअसल इन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए इनको ट्रायल ना करना पड़े इसके लिए इन्होंने जो है जो छोटे छोटे जो उनसे जूनियर पहलवान थे उन पहलवानों के करियर की जो है इन्होंने पूरी पूरी वाट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मित्रों अब जरा मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पे बात करना चाहूँगा आपसे, और वो बात है मित्रों एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है, और वो बयान है एक मुल्ला जी हैं उनका बयान है, और जो ये मौलाना है ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसका बड़ा विरोध हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि साहब इनको जो है पुलिस में इनकी बात कही जाए, तो क्या जरा मामला है जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। संविधान अगर मजहब के खिलाफ आएगा तो उसको मानेंगे नहीं,
फर्स्ट हमारा मजहब है इस्लाम, उसके बाद संविधान है। हमारा मजहब सबसे आगे है, हम इसके लिए मरेंगे, इसके लिए जिएंगे, इसके ऊपर अमल भी करेंगे पूरी जिंदगी इसके ऊपर। यानी आपकी मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, अब तक मस्जिद रही है। आने वाला कल जो है हिंदुस्तान का, तो वो आने वाला कल हिंदुस्तान के लिए बड़ा नुकसान है। मुझे तो कल बताएगा, अब हिंदुस्तान की पहचान जिससे है वो तो है, भारत की पहचान है कि नहीं? भारत की पहचान तो भारत है जी। हमारे आजम साहब जो रामपुर के हैं वो जेल में रहे। दिक्कत हमें ये है, हमारे मजहबी मामले में दखल नहीं देने से भी मुसलमान को निशाना बनाकर और 80% को खुश कर सकते हो तो कर लो, बस ये नीति है। 80% को खुश करना है और रहा मसला हमारे खाने पीने का, जो हम खाते पीते हैं उसमें 90% हिंदू भाई खाते हैं। दूसरे लोग नाम लेंगे साहब, हिंदू भाई भाई का हम मुराद नगर के हैं। हमारा मुराद नगर में तकरीबन 100 जगह बिरयानी बिकती है, 100 जगह। हम जब जब बिरयानी खाने गए दुकान के ऊपर, वहाँ दो चार हिंदू भाई बैठे, पहचान कैसे हैं? हाथों में राखी का बंधा हुआ है, हमने पहचाने, खा रहे हैं अपना 90% ये लोग खाते हैं। संविधान अगर मजहब के खिलाफ आएगा तो उसको मानेंगे नहीं। सबसे बड़ी जो हमारा मजहब है बात है वो यही है कि जो इन्होंने यहाँ पे ये बात कही मित्रों की, भाई हम जो है वो इनका इस क्या कहना है, इनका ये कहना है साहब कि हम तो संविधान को ऊपर नहीं मानते, हम तो अपने जो कुरान शरीफ है, जो अपना दीन है उसको ऊपर मानते हैं। तो इसी को लेकर के विवाद हो रहा है और ये लोग खुद अपनी बातें कह दे रहे हैं, अपना चेहरा ये लोग खुद एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हिंदू जो है इस चीज़ को समझे कि हाँ तब बात बनेगी, क्योंकि ये जो 47 जैसे पिछली बार चुनाव हुआ 37% वोट मिला बीजेपी को, भाई हिंदू इतने बड़ी संख्या में रहता है, 50% के ऊपर वोट लोकसभा में मिले बीजेपी को तब ना ये बात है। तो ये जो ये इस तरह के लोग हैं, ये लोग जो है ये खुद ये बता देते हैं कि क्या करना चाहिए हिंदुओं को। ये वीडियो आप सब जगह वायरल कर दीजिएगा, बस काम हो जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने आपको कहा मित्रों की वो जो नंबर जिसकी मैंने आपसे बात की है, उस नंबर पर भी, ये जो नंबर है इस पर भी मिस्ड कॉल कर देंगे तो आपको मेरे लेख मिलेंगे। तो नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।